नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का स्पिरिचुअल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ एला गोस्वामी। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्वागत करना चाहूंगी इकिगाई कोच एंड पब्लिक स्पीकिंग कोच दिवस गुप्ता का। थैंक यू सो मच। स्वागत है दिवस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। दिवस, आज के इस टॉक शो में ना हम किसी एक सब्जेक्ट पे बात नहीं करेंगे, हम बहुत सारे सब्जेक्ट पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को दो मिनट कुछ ऐसा बताएं कि उनको लगे कि यार ये वीडियो ना मुझे पूरी वन गो में देखनी है। इला, मुझे लगता है कि हमारी लाइफ सेगमेंट्स में बटी हुई है। 10 से 20 साल तक सिर्फ था कि बस 10th पास करनी है, 12th पास करनी है और कॉलेज पहुंचना है। 20 से 30 जो टाइम है ना, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम जहां पे आपका करियर, आपकी रिलेशनशिप्स, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, बहुत कुछ चल रहा होता है एंड वी आर ऑल कंफ्यूज्ड कि लाइफ में करें तो करें क्या। और इस इंटरेक्शन के थ्रू हम ये जानेंगे कि कैसे लाइफ को क्लैरिटी के थ्रू, पैशन के थ्रू, पर्पस के थ्रू और एक फुलफिलमेंट के थ्रू हम जी सकें। दैट इज द होल एजेंडा ऑफ दिस कन्वर्सेशन विद यू। अभी हमारी बात हो रही थी ऑफ द कैमरा, तो आपने बताया कि यार इला देखो आजकल क्या होता है कि तुमने नेटफ्लिक्स पे वो सीरीज देखी आपने देखी वो सीरीज नई वाली आई है, नाम नहीं पता गया। तो ये सारी चीजें आजकल मैं बहुत देख रही हूँ कि मुझसे भी कई लोग पूछते हैं, हालांकि समय नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी, काम के बीच आप इतना बिजी होते हो कि जब घर जाते हो तो लगता है कि बस आराम कर लो, कोई बुक उठा के पढ़ लो और एक शांति की नींद सो जाओ। लेकिन ये चीज आजकल बहुत हो रही है, एक हिरस मच गई है और सबसे बड़ी बात हम बहुत लेफ्ट आउट सा महसूस करने लग जाते हैं। अगर कोई हमसे पूछ लिया तुमने अच्छा ये नहीं देखा यार, नहीं देखा यार। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन को कैसे डील करें, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि उस गेम ऑफ थ्रोन्स के एपिसोड में क्या हुआ था, आई हैव नो क्लू, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था और मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपने जो टर्म यूज करा उसको आज के लोग कहते हैं FOMO, लाइक फोमो की फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर मुझे नहीं पता तो मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद मी। ये पता है मुझे कि मैंने वो टाइम, वो दो घंटे जो आपने सीरीज देख के बताए, मैंने उन दो घंटे में क्या किया। मे बी मैंने स्पीकिंग ट्री का पॉडकास्ट सुना जो कि काफी एनलाइटनिंग होगा। तो अगर आप मुझसे बात करने बैठेंगे तो आई विल हैव अ डीपर स्पिरिचुअल नॉलेज जो शायद आपके पास नहीं होगी। आपको ये पता होगा कि यू नो आज के लेटेस्ट मूवी कौन सी चल रही है, किसका कलेक्शन कितना है बॉलीवुड में एंड बॉक्स ऑफिस पे, बट आपको ये नहीं पता होगा कि हाउ कैन यू बी अ बेटर पर्सन, राइट। आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल आपने किसी और के हाथ में दे दिया है। सो यू हैव दोज आवर्स। लोग कहते हैं ना कि यार कहाँ टाइम मिलता है यार, वही जॉब, वही शाम को आते हैं वापस, तो कहाँ टाइम मिलता है। टाइम सबको मिलता है, इट्स अबाउट वेयर यू इन्वेस्ट दैट टाइम। तो एक्सेप्टेंस है कि हाँ यार मुझे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं अपना टाइम को जाया नहीं कर रहा हूँ। मैं कहाँ टाइम को इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उससे मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है, वेरी क्लियर। मेरा सरनेम गुप्ता है, मैं लिख बनिया हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं अपना टाइम और पैसा कहाँ लगा रहा हूँ। एंड दैट इज द राइट माइंडसेट फॉर एवरीवन कि जहाँ भी अपना समय और पैसा इन्वेस्ट करें, get the returns out of it. Okay, आपने FOMO की बात करी, fear of missing out की, ये youth को बड़ी problem का सामना करना पड़ रहा है आजकल। जब मैं अपनी थोड़ी सी early 20s में थी तो मुझे भी कई बार लोग कहते थे कि अरे तुमने यार ये नहीं पढ़ा, तुमने ये नहीं देखा, ये movie तुमने कैसे miss कर दी। तो मुझे कभी कभी क्या लगता था ना दिवस कि जब 10 लोग हैं, 10 में से 9 लोग अगर वैसे ही हैं, तो आप अगर अलग हैं ना तो आप लेफ्ट आउट महसूस करेंगे। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों से अलग बनो, देन यू हैव टू थिंक, एक्ट एंड डू डिफरेंटली। अगर मैं सबके जैसा सोचूंगा मैं उनके जैसा ही बन जाऊंगा। एक बहुत सही कहावत कही गई है कि जिम रॉन ने कहा था कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद। मतलब आप वो 5 लोग अपनी लाइफ में देख लीजिए जिनके साथ आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं एंड आस्क योरसेल्फ ऑन अ स्केल ऑफ 10 उनको मार्क्स दे दीजिए कि सपोज आप जो वीडियोग्राफर हैं उनको मार्क्स देंगे कि आउट ऑफ 10 उन्हें कितने पॉइंट्स देंगे। सपोज 8/10 कि बहुत पॉजिटिव, बहुत पैशनेट हैं। सपोज कोई आपके लिए कलीग है जो कि बहुत ही नेगेटिव रहता है, बहुत ही डिसिपेटिंग, मतलब एनर्जी को नीचे लेके आता है, 2/10, ठीक है, बट यू स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन। तो यू विल फिगर आउट जो कि 5 लोग हैं जो आपका एवरेज आएगा बहुत कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। अब इट्स अ कॉन्शियस कॉल कि या तो मैं अच्छा दिखने के लिए, लोगों के साथ एक तालमेल बिठाने के लिए, अच्छा बच्चा बनने के लिए, एक अच्छा कलीग बनने के लिए सब काम करूं, बट एज अ रिजल्ट मेरी अपनी एनर्जी, अपना पीस ऑफ माइंड है वो जा रहा है। इसलिए चॉइस है इला, जो ट्रेड ऑफ है वो कर रहे हो आप कि what do you choose to do right now? जो हमें इस समय सुन रहे हैं, they could have watched
ऑन नेटफ्लिक्स ऑल्सो, राइट? उनके पास ऑप्शन है कि वो इंस्टाग्राम पे जाके लोग नाच रहे हैं वो भी देख सकते हैं, बट देन एक चॉइस है कि इस टाइम को मैं स्पीकिंग ट्री के पॉडकास्ट को सुनना चाहूंगा, तो कहीं ना कहीं उनको एहसास होगा कि इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से जो वो लेके जा रहे हैं अपने साथ वो बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है. शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल जाती है लोगों को कि हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है. इट इज लाइक कि हैप्पीनेस एंड लाइक फुलफिलमेंट कि मैं दोस्तों के साथ दारू पी रहा हूँ, बार में जा रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मिल गई, बट देन इसका एंड कहाँ पे हो रहा है? व्हाट इज इट लाइक लीडिंग टू, राइट? फुलफिलमेंट नहीं है. हैप्पीनेस इज शॉर्ट टर्म, फुलफिलमेंट इज लॉन्ग टर्म. वेयर अगर आप सपोज आज इंटरव्यू कर रहे हो, आप जब शाम को वापस जा रहे हो ना, यू आर सो काम एंड रिलैक्स्ड कि यार आज मेरी एक अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई, मैंने जो चीज लोगों को बताई मेरी आवाज के थ्रू इतने लोग इम्पैक्ट हुए, वो जो एक खुशी है ना, इट हैज नो कंपैरिजन विद व्हाटएवर ड्रग्स यू टेक, विद व्हाटएवर थिंग्स यू डू इन योर लाइफ. तो वो बहुत मोमेंटरी चीज है. तो लोग बुरा मान जाएंगे, मानने दीजिए, अल्टीमेटली आपको अपने साथ रहना है ता उम्र, और वो बहुत जरूरी है कि मैं अपने आप को आंसर दे दूं कि हाँ यार मैंने अगर नेटफ्लिक्स नहीं देखा, मुझे जानकारी नहीं है, तो नहीं है, मैंने वो अपने 2 घंटे कहीं और इन्वेस्ट करे हैं, मुझसे वो पूछ लीजिए, मुझे वो पता है. सबको सब कुछ नहीं पता होगा, बट अगर आपको वो पता है जो पता होने लायक है, देन इट इज वर्थ इट. चलिए, तो सबसे पहले एक सवाल जो हम सभी के मन में घूमता है, जैसा आपने बात की कि 20 से 30 में ऐसा होता है, 30 से 40 में ऐसा होता है, तो मैं 18 से 21 साल की उम्र के लोगों पर आऊंगी, जो युवा वर्ग है हमारा, और हमारा ज्यादातर ऑडियंस यंग ही है. कई बार क्या होता है ना दिवस, जो हमारा ये एज ग्रुप होता है उसमें हम बहुत रैंडम चलते हैं, पार्टीज कर लेते हैं, पैसा आया मम्मी पापा ने दिया उड़ा दिया, मतलब एक लाइफ का पाथ नहीं होता है, और वो खासकर उम्र भी वैसी होती है. तो मैं जानना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए कि कैसे, और आपने क्या किया था इस उम्र में, और कैसे आपने डिफाइन किया था कि मेरा ये पाथ है और मुझे अभी से इसके लिए तैयारी करनी है. बहुत अच्छा बोल रहा कि 18 से 21 के साल इसकी एज में लोग भटके हुए होते हैं. स्कूल टाइम तक एक पाथ दिया गया था, वही फॉलो करना था. अब चेन्स हट चुकी हैं, लोग आजाद हैं, नए शहर में आ चुके हैं, नए नए दोस्तों से मिलते हैं कॉलेज में आके, एंड जो बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस है वो पड़ चुका होता है कि अब तो कॉलेज में आ चुके हैं, इंजॉय करने वाले हैं, एंड दैट इज वेयर वी लूज डायरेक्शन कि हमें करना क्या है. अगर आपकी संगति ऐसी हो गई तो आप गए. संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है. इफ आई लुक एट माय कॉलेज डेज, 18 से 21 साल मैंने वो सारी चीजें करी जो मैं करना चाहता था. एज इन मैं अच्छे से बोल नहीं पाता था. दैट इज माय स्टोरी. माय एंटायर चाइल्डहुड वाज जहां पे दिवस अपना नाम भी सही से बोल नहीं पाता है. तो आई थॉट कि क्या मैं ऐसे ही रहने वाला हूं. तो 18 से 21 के एज में मैंने 3 साल कॉलेज में, चाहे एंकरिंग हो, चाहे डिबेटिंग हो, चाहे फेस्ट में पार्टिसिपेट करना हो, जो भी करना हो जिससे कि मैं वो दिवस बन पाऊं जिसकी मैंने कल्पना करी थी अपने स्कूल के डेज में. इट इज बहुत अच्छी सी बात है कि हम लोग चाहते हैं कि मैं कुछ अलग करूं, कुछ अलग बन के दिखाऊं. बहुत सही बात कही गई है कि अगर मैं वो ही सब करूंगा जो सभी लोग कर रहे हैं तो आई विल बी लाइक देम इटसेल्फ. तो एज यूथ इफ यू रियली वांट टू बी डिफरेंट, कि मुझे कुछ अलग करना है, अलग बनना है, देन यू हैव टू लीव दोज पार्टीज. बुरा लगेगा, आप लोग अरे यार तो बड़ा हीरो बन रहा है, यू नो, अपने अपने कूल नहीं है, आना यार पार्टी में चलते हैं, लगेगा बुरा. लेकिन वो सिर्फ बात 3 साल की नहीं है, योर एंटायर लाइफ आफ्टर दैट इज विद यू. उसको आप जीने वाले हैं, आपके दोस्त आपके साथ रहना रहे, बट आप अपने साथ रहने वाले हो. सो लिविंग इट एज पर योर टर्म्स, सो दैट आपको रिग्रेट ना हो कि यार काश मैंने अपने 3-4 साल अच्छे से दिए होते, अपने क्राफ्ट पे काम किया होता, सो दैट आई हैव नो रिग्रेट्स एज सच. थैंक यू सो मच. आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ. नमस्कार.